हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स। आगे हूं फिर से एक नई अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ, और आज लेकर आया हूं बोल्ट ऑडियो की तरफ से बहुत ही पॉपुलर बोल्ट ऑडियो लाइव बर्ड्स। जी हां, आज इसे अनबॉक्स करेंगे, टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को। पर उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी वीडियोज़ बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको मेरा काम पसंद आ तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट तो आपको मिलेगी ही, साथ ही में आगे भी आपका और मेरा प्यार बना रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ बोल्ट ऑडियो लाइव बर्ड्स। सबसे पहले बॉक्स पर दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ बोल्ट 18 आवर का प्ले टाइम लिखता है, इसी के साथ 3 दिन का स्टैंड बाय टाइम लिखता है बोल्ट यहाँ पर। आगे देखें तो वेकअप एंड पेयर की टेक्नोलॉजी मिलती है यहाँ पर आपको। तो बोल्ट यहाँ नॉइज़ कैंसिलेशन, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल लिखता है, इसी के साथ ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5 बोथ ईयरबड मास्टर लिखता है यहाँ पर बोल्ट, और इसमें स्टीरियो कॉलिंग और माइक मिलता है। आगे बढ़ते हैं और इसकी प्राइस पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ बोल्ट ने इसके बॉक्स पर इसकी प्राइस 9,000 रुपये लिखी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसका एक्चुअल और करंट प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अनबॉक्स करेंगे और बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालेंगे। डिवाइस को मैंने 7 दिन करीब यूज़ किया है, और मेरे यूज़ करने के दौरान इसकी परफॉर्मेंस और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने इस रिव्यू को तैयार किया है। तो अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन से। शुरू करते हैं चार्जिंग केस से। तो ये आपको सिंगल कलर मैट फिनिश में मिलता है। इसमें ऊपर की तरफ यानी कि लिड में आपको बोल्ट ऑडियो का लोगो मिलता है, और इसके अलावा चार्जिंग केस में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है आपको। पीछे की तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। चार्जिंग केस पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है, ये बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। इसी के साथ इसका रबराइज्ड फिनिश बहुत ही बढ़िया लगता है। इन हैंड फील तो बहुत ही शानदार है ही, इसका लुक भी काफ़ी प्रीमियम है। खास करके ऊपर की तरफ आपको लिड में एक रबराइज्ड टेक्सचर मिलता है, और ये बहुत ही बढ़िया लगता है। चार्जिंग केस का लिड ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको डिफरेंट कलर मिलता है। यहाँ ब्लैक के साथ आपको ग्रे मिलता है। इसके अलावा एक कलर ऑप्शन में और अवेलेबल है ये डिवाइस। अंदर की तरफ ही आपको LED इंडिकेटर लाइट मिलती है, साथ ही में ईयरबड्स रखने की जगह मिलती है। यहाँ अंदर की तरफ ही आपको लिड में फोम मिलता है, और फोम की क्वालिटी ठीक ठाक ही है। यहाँ भी सिंगल कलर मैट फिनिश का यूज़ किया है बोल्ट ने, साथ ही में इसके लिड में यूज़ किया और मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रांग है। ओवरऑल चार्जिंग केस की क्वालिटी बढ़िया है, और इसमें यूज़ किया हुआ रबराइज्ड मटेरियल बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। ईयरबड्स की बात करते हैं, ईयरबड्स भी बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट हैं। इन्हें भी बोल्ट ने ड्यूल कलर टोन टेक्सचर में बनाया है। ईयरबड्स में ऊपर की तरफ आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, इसी के साथ यहाँ एक मल्टी कलर LED लाइट मिलती है आपको। चार्जिंग केस की तरह यहाँ बोल्ट ने इसके मल्टी फंक्शन बटन को रबराइज फिनिश दिया है, ये काफी बढ़िया लगता है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है, और इसी के साथ चार्जिंग पिन मिल जाते हैं। ओवरऑल चार्जिंग केस और ईयरबड्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम अपने हाथ में लेंगे तो इसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। मस्ट से बोल्ट ने बहुत बढ़िया काम किया है इसके साथ। अब इसके टच ऑपरेशन को समझ लेते हैं। इनकमिंग कॉल को रिसीव करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होता है, और उसी तरह से कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए इसके लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर सिंगल क्लिक करना होता है। इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए इसके लेफ्ट या राइट ईयरबड पर डबल क्लिक करना होता है। वॉइस असिस्टेंट यानी कि गूगल या सीरी को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर 3 टाइम प्रेस करना होता है। म्यूज़िक ऑपरेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रैक पर जाने के लिए राइट ईयरबड पर 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, और इसी तरह से प्रीवियस ट्रैक पर जाने के लिए लेफ्ट ईयरबड पर 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। बोल्ट ने इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर तो दिया है, पर ये वर्क करता ही नहीं है। यहाँ बोल्ट ने इसे ऑपरेट करने के लिए बटन, पर ये बटन बहुत ही टाइट है, और कई बार ये काम, पर इसके बटन की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई है। अब थोड़ा बात करते हैं कनेक्टिविटी की, और ब्लूटूथ रेंज मिलती है आपको 20 मीटर की। डिवाइस कनेक्टिविटी में बढ़िया है, जैसे ही इसे आप चार्जिंग केस से निकालते हैं ये इंस्टेंटली आपस में पेयर हो जाते हैं, और सामने वाले रिक्वेस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए ईयरबड्स यूज़ करने के बाद को उसके चार्जिंग केस में रख देते हैं और वो डिसकनेक्ट हो जाता है,
पर यहाँ बोल्ट से क्या गलती, ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखने के बाद भी ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है फ़ोन से, और ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ तो फिर ये डिवाइस ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाए। पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हुआ हूँ इस कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम से। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो यहाँ बोल्ट ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और डिवाइस में एक्स्ट्रा बेस प्रोवाइड किया है बोल्ट ने। यहाँ 9mm के ग्राफीन ड्राइवर्स मिलते हैं इसमें, और इसी के साथ बोल्ट ने इसमें माइक्रो वूफर्स प्रोवाइड कराए हैं, जिससे इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। बेस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और बेस की डेप्थ और क्लैरिटी भी बहुत शानदार है। ट्रबल और वोकल्स भी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर लेता है ये। हालांकि वोकल्स थोड़ा सा चुपते हैं हाई वॉल्यूम पर इसे मैनेज किया जा सकता है वॉल्यूम को 90% रखकर। हाईज, मिड्स और लोज को भी बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेता है ये, और हाई वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन भी फील नहीं होती है। डिटेल्स और क्लैरिटी भी बहुत बढ़िया मिलती है इसमें, और इसकी साउंड क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। ओवरऑल आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस डिवाइस। बात करते हैं कॉल क्वालिटी की, तो यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है मेरे। इस डिवाइस में कॉलिंग बिल्कुल भी ठीक से नहीं होती है। सामने वाले पर्सन की आवाज़ मुझे तो क्लियरली आती है, पर जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो पर्सन बार बार ये कंप्लेंट करता है कि आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। कई बार मुझे कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ा या अपने ब्लूटूथ को ऑफ करके। ओवरऑल इसकी कॉल क्वालिटी से नाखुश हूँ मैं। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मैंने बोल्ट ऑडियो लाइव वर्ड्स के माइक से रिकॉर्ड की है, जिससे बाहर के एनवायरनमेंट में आपको कॉलिंग का प्रॉपर आइडिया हो जाए। गेम्स में ये डिवाइस ठीक ठाक परफॉर्म करता है, गेम्स में होने वाले सारे साउंड एनिमेशन को ठीक ठाक हैंडल कर लेता है ये। हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के टेस्ट किया है इसे, और हमारी टेस्टिंग में हमें कोई भी परेशानी महसूस नहीं हुई है इसकी साउंड क्वालिटी से। गेम्स के दौरान लेफ्ट राइट ईयरबड पर साउंड अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसी के साथ लैग या लेटेंसी भी बहुत ही कम महसूस होती है हमें। ओवरऑल गेमिंग में ये डिवाइस ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। अब थोड़ा बात करते हैं कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स के बारे में। तो इसके ईयरबड्स बहुत ही लाइट वेट और कॉम्पैक्ट हैं। बोट ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इनके साथ। मैंने पर्सनली डिवाइस को करीब 7 दिन यूज़ किया है और मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है इससे। ये आपके कानों में टाइटली और सिक्योरली बैठते हैं। बोल्ट ने इसमें 3 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए हैं आपको, जिसे आप अपनी फिटिंग्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली कई घंटों तक भी इसे इस्तेमाल किया है और मुझे किसी भी तरह की अपने कानों में पेन या अनइजीनेस फील नहीं हुई है। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद द कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स ऑफ दिस डिवाइस। तो बोल्ट ने इसके ईयरबड्स और चार्जिंग केस की बैटरी का डिटेल कहीं दिया नहीं है। इसके ईयरबड से सिंगल चार्ज पर आप 6 घंटे का प्लेबैक टाइम निकाल सकते हैं, और इसी के साथ ईयरबड्स और चार्जिंग केस से कंबाइंड आपको 24 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। डिवाइस को मैंने लगातार 7 दिन यूज़ किया है। मैंने इसे मेनली कॉलिंग और म्यूजिक लिसनिंग में इस्तेमाल किया, और 7 दिन के बाद भी इसके चार्जिंग केस में बैटरी बची हुई थी। ओवरऑल इस डिवाइस का बैटरी बैकअप बहुत ही। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो देखिए बोल्ट की तरफ से आने वाला ये डिवाइस, अगर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को समराइज करें, और पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स की। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। इसमें साउंड क्वालिटी शानदार मिलती है आपको। बैटरी बैकअप वन ऑफ द बेस्ट है इसमें। डिवाइस कंफर्टेबल है, लाइट वेट और कॉम्पैक्ट है। बात करें नेगेटिव्स की, डिवाइस की कॉल क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, और इसी के साथ डिवाइस की कनेक्टिविटी में भी इश्यू हुआ है मुझे। बात करें रिकमेंडेशन की, देखिए इस डिवाइस को यूज करने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इसके डिज़ाइन एंड लुक्स को देखकर, पर 7 दिन यूज़ करने के बाद मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसकी परफॉर्मेंस से। फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं आप। हाँ एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स रिव्यू या कंपेयर करते हुए।